तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? होप सभी लोग बढ़िया होंगे। और मैं अभी इस टाइम पे आप जैसा कि देख रहे हैं ना, अपने कैंप के तरफ पहुंच गया हूं और चालू करते हैं भाई आज सुबह का प्लांट। धूप अच्छी निकल गई, सुबह 8 बजे का टाइम हो रहा है और काम भी चालू हो गया है। प्लांट भी ऊपर हीटर गर्म हो रहे हैं जब तक, और प्लांट भी चालू करते हैं। और यहाँ पर एग्रीगेट दिख रहा है ना दोस्तों, ये अभी फिर से फैलाना पड़ेगा। ये वाला थोड़ा ज़्यादा गीला दिख रहा है, अभी ऊपर थोड़ा सूख गया है, इसको फिर से फैलाएंगे। रोज़ फैलाएंगे तभी ये सूख पाएगा, बाकी सूखा वाला आ गया तो अपना काम भी चालू हो जाएगा। तो बने रही इस वीडियो में, चलो भाई शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। कल की वीडियो में भाई सुप्तवा का ब्रिज नहीं दिखा पाया, मैं कोशिश करूंगा आज दिखाऊंगा। केसला वाला भी दिखाऊंगा, माचरा ब्रिज कभी फुर्सत में रहूंगा तब दिखाऊंगा, क्योंकि आज उधर ही जाना पड़ेगा। तो अभी आ गई अपनी एक्सकेवेटर सामने और अभी अपन यहाँ पे मटेरियल को फैलाना स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह दोस्तों कैंप में पहुंचा तो सबसे बड़ी ये समस्या होती है किसी के डाले में थोड़ा सा गैप आ गया, कभी बैंड आ गया, क्या हुआ जब भी गाड़ी फंस जाती है ना कहीं पे, तो गाड़ी फंसने पे ये प्रॉब्लम आती है। डाले के पीछे से धक्का मार देते हैं तो डाले के कुंडे मुंडे कभी टेढ़े हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं तो फिर इसमें बीसी का माल भर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बारीक रहता है तो वो फैलता बहुत है। तो अभी यहाँ पे गुटके लगा के डाले को एक्सेवेटर हल्का हल्का दबाते हुए जिससे डाला सीधे हो जाएंगे। तो ये दो गाड़ियाँ देख रहे हैं दोस्तों, ये है 25-23, ये 230 हॉर्स पावर वाली गाड़ी है पर साइज छोटा है। और ये जो गाड़ी देख रहे हैं ना, ये है 25-18, ये 180 हॉर्स पावर वाली है, पर ये डाला इसका 12 चक्का वाला बॉडी है। पर ये गाड़ी भाई प्लेन पे चलने लायक है, पर फोर लेन के मतलब आपका अर्थवर्क वगैरह कर रहा है ना, हाईवे में जो काम कर रहा है कच्चे पक्के में चलने के लिए, उसने यही गाड़ी सक्सेसफुल है, ये वाली गाड़ी सक्सेसफुल नहीं है, मैंने पहले ही बताया आपको इस वीडियो में। अभी उस्ताद का हमारे मन नहीं भरा और बोल रहा है हल्का सा और दबाओ इसको, तो ये इस टाइप से धीरे धीरे से दबा देंगे एक्सकेवेटर से, तो गाड़ी आगे ना भाग जाए। तो इसके हैंड ब्रेक डले हुए हैं, ये इस टाइप से जो खटक्रमा है ना, सुबह सुबह चलते रहते थे, मैकेनिकल डिपार्टमेंट का काम होता है, पर यार अपना काम यहाँ पे ख़राब होगा, एक्सकेवेटर है तो अपन ही करा दो, कोई बड़ी बात नहीं, वैसे ड्राइवर लोग खुद ही समझदार करा लेते हैं। इसका भी थोड़ा सा डाला वाला सीधे कर, क्योंकि रास्ते में मटेरियल फैलने की शिकायत नहीं हो रही, क्योंकि बाद में कौन समेटेगा इसको। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं ना, ये चल रहा है अपना रोज़ वाला काम भाई, ये सबसे गंदा काम मेरे को यही लगता है, बारिश के टाइम में जो मटेरियल आपका गीला हो जाता है ना, उसको फैलाना। तो अभी यहाँ एक्सकेवेटर तक पूरा फैला दिया, ये देख रहे हैं ना आप पीछे, क्योंकि धूप अच्छी है तो ये सूख तो जाए। कल जो इसी को सुखाया था रात के टाइम पे ढेर लगा दिया, क्योंकि सुबह सुबह ओस पड़ती है तो वापस गीला हो जाता है ऊपर का, तो इसको अभी फैला दिया ना अच्छे से। कल जो अपन ने फैलाया था उससे एक चीज़ का फायदा ये हुआ कि उसके अंदर जो पानी था वो मॉइस्चर चला गया है, अभी केवल ये हल्का हल्का गीला है, अभी धूप लगेगी तो ये जल्दी सूखेगा। शाम के टाइम पर इसको इकट्ठा कर देते, क्योंकि रात को क्या ओस वोस का डर रहता है, तो आज तो वैसे ओस वोस नहीं थी, आज कोहरा वोहरा कुछ भी नहीं था, मौसम बढ़िया था, एकदम साफ था सुबह सुबह से। ऐसे में ये वाले का थोड़ा मॉइस्चर सूख जाएगा ना, तो ये अपने पास 2-3-4 ट्रिप सूखे वाले पड़े हैं, तो मिक्स करके बढ़िया चलेगा प्लांट, प्योर ये नहीं चला सकते, मिक्स करके चला सकते सूखे वाले से। तो अभी इसको लगभग 2-1 घंटे छोड़ देते हैं हवा लगने के लिए, फिर उसके बाद इसकी पल्टी वल्टी करेंगे। तो वाइड एंगल से भाई कैसा शूट लग रहा है आपको, मेरे को बताइए कमेंट करके। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए साइड पे, आप देख रहे हैं ना, और यहाँ पे रेकॉर्ड लग रहा है, पीछे से लिंक भी चालू कर दी है, आप साथ में देख भी रहे हैं, गाड़ियाँ भी आ गई 2-3। और यहाँ पे छोटा सा प्रॉब्लम हुआ यार, सही मेरे से ही गलती हो गई यार, प्रॉब्लम ये हुआ यहाँ पे थोड़ा सा वाइंडिंग था एक 30-40 मीटर का, जब मीडियम फिलिंग करी ना तो उसके अंदर भाई मिट्टी आ गई, मिट्टी भी भाई कल यहाँ पे बारिश चक्कर में गीली है, तो अभी ग्रेडर बुलाया है, इसको थोड़ा क्लीन कराएंगे मिट्टी को, और उसमें पहले उसमें नीचे DBM का सरफेस का वाइटनिंग करेंगे, उसके बाद भाई BC करेंगे, नहीं तो भाई ये पैच ख़राब हो जाएगा। तो पहले तो भाई अच्छे से उसकी मिट्टी को साफ़ करते हैं यहाँ पे, तो ये पहले ये जो आप देख रहे हैं ग्रेडर लाया है, इसको पहले अच्छे से क्लीन कर दे ग्रेडर से, ये वाली जो काली मिट्टी है ना ये पूरी साफ़ करनी पड़ेगी। ज़्यादा नहीं, केवल लेना यहाँ पे 2-3 फीट के आसपास ही करनी है वाइटनिंग। अरे यार ये गलती हुई यार, पहले ही कर लेनी थी, तो अभी ज़्यादा हेडक वाला काम नहीं रहता, निपटा देते, कोई दिक्कत वाली बात नीचे यहाँ पे GSBW सब हुआ है, केवल ये ऊपर की ये मिट्टी जब मीडियम फिलिंग करी ना उसके चक्कर में ये ज़्यादा ओवर हो गई, तो बाहर हो गई दिक्कत क्या है, ये गीली है, अभी इसको निकालना इसलिए पड़ा, नहीं सूखा रहता तो इतना प्रॉब्लम ये क्रिएट नहीं करती। तो अभी इसको अच्छे से क्लीन करते पहले,
तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये पूरा सेक्शन जो हमने खोदा था ना, वो अभी ग्रेडर से उसको पूरा क्लीन करने के बाद थोड़ा सा उसमें WM डाला अलग से बुला के, और WM डाल के उसको अब मैचअप कर दिया अच्छे से। तो मैचअप होने के बाद अभी ज़्यादा नहीं कहेंगे, 2 से 2.5 फीट के आसपास ही यहाँ पे वाइडनिंग थी, और केवल 20 मीटर का टुकड़ा ही था। ये पहले मेरे से गलती होगी कि पहले मैं इसको भूल गया, तो ये पहले हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, पर अभी पेवर चल रही है तो इसके सामने इसको कंप्लीट करके आगे बढ़े, क्योंकि इसको छोड़ नहीं सकते और पेवर को भी आगे नहीं बढ़ा सकते, तो इसलिए पहले इसको कंप्लीट करेंगे। इसको अभी रोलिंग वोलिंग करके इसमें थोड़ा सा अपन बिटुमेन का मटेरियल डालेंगे और इसको रोलिंग वोलिंग करके एकदम कंप्लीट करेंगे, फिर क्लीन करके फिर टैक कोट फिर से लगा के तब हम आगे का काम आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हो ग्रेडिंग वगैरह पूरा कंप्लीट हो गई, अब इसका अच्छे से रोलिंग वोलिंग करके आगे की प्रक्रिया करेंगे। तो गाइस फाइनली आज का काम आज हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ है, पेवर का अभी काम निपट गया है, और यहाँ पे तो थोड़ा सा वो जो उसी जो वाइटनिंग के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो आज हम बहुत जल्दी निपट जाते। तो अभी हमारे लोड अगर आने सारे बंद हो गए, शाम का टाइम भी हो गया लगभग 4:30 बजे का, और पेवर अभी निकाल के साइड में कर दिए क्योंकि आज प्लांट पर बिटुमेन ख़त्म हो गया, बिटुमेन भी आएगा। और दूसरी बात है ना, यहाँ पे अभी ये अभी ताज़े जो लोड डाले ना 2 लोड, तो इसमें भाई चूने का थोड़ा विशेष ध्यान रखिए, लाइम पाउडर थोड़ा अच्छे से मार दो, क्योंकि अभी ये थोड़ा गर्म भी है, थोड़ी देर बाद इस पर ट्रैफिक मूव करेंगे तो आपका उखड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अभी हम लोग लगा रहे हैं लाइम पाउडर, पैच पूरा कंप्लीट हो गया है। आप सोच रहे हो एक रोलर चल रहा है, थोड़ा आगे गया है क्या है, थोड़ा अभी DBM के अंदर जो रेक्टिफिकेशन रहता है ना, वो तुरंत अभी करा लो, बाद में नहीं होगा, क्योंकि बाद में केवल फाइनल लेयर होगी। तो आगे थोड़ा सा एक दो छोटे छोटे पॉट होल्स थे वो अभी रिपेयर कर रहे हैं उसको, तो पीछे से भाई बाद में पेवर चल जाएगी, क्योंकि इमीडिएट करते ना तो उसमें क्या होता भाई सेटल होता था तो फिर मज़ा नहीं आता, बाद में फिर झटका सा लगता है, तो अभी इससे पहले ही करा दो। यहाँ पे अपना पैच हो गया पूरा रेडी और फाइनल PTR चलता हुआ। अभी कल अपन ने किया था ये वाला साइड, अभी इस पर ट्रैफिक मूव हो रहा है, आप देख रहे हैं ना गाड़ियाँ कैसी, क्योंकि ये फाइनल लेयर हो जाती है ना, उसके बाद गाड़ियों की स्पीड और बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें झटके वटके लगना बंद हो जाते हैं ना, जो भी DBM में जो रेक्टिफिकेशन था वो सब हो गया। अभी चल रहा भाई ये PTR,